मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं। क्या हो रहा है राजस्थान में? और मैं कहना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, हालात यहां की सरकार की यह है कि मुख्यमंत्री जिस ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं, इस गाड़ी का क्लच कोई और दबा रहा है और एक्सेलरेटर कोई और दबा रहा है। यह हालत हो गई है। क्या हो गया है राजस्थान को? यहां पर हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के नाम पर बांटकर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यह है, जो राजस्थान का विकास होना चाहिए था और विकास के नाम पर कांग्रेस की हुकूमत को वोट मांगना चाहिए था, वह विकास के नाम पर वोट मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा इस आधार पर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मोबाइल गारंटी देना शुरू किया है, कई कई तरह की गारंटी देना शुरू किया है। और मैं बहनों भाइयों बतलाना चाहता हूं, इसके पहले भी जहां जहां चुनाव हुए हैं जिन राज्यों में, हिमाचल में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, वहां पर भी जाकर ये लोग इसी प्रकार के तरह तरह के आश्वासन लोगों को देते रहते हैं। कहते हैं यह गारंटी है, और यही गारंटी आकर राजस्थान में भी हमारे राजस्थान के बहादुर बहनों भाइयों को दे रहे हैं। इनके ऊपर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए बहनों भाइयों। 5 वर्षों तक क्या करते रहे आप? 5 वर्षों तक यदि कुछ आपने किया होता तो आपके ऊपर राजस्थान की जनता का यह भरोसा रहा होता। हिंदुस्तान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जनता ने आपके धोखे को, आपके फरेब को अच्छी तरह समझ लिया है। अब एक गठबंधन बनाया है, कई विपक्षी दलों ने मिलकर, 28 दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया कि चाहे हो जाए मुख्यमंत्री जी को, अब मोदी जी को किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। बहनों भाइयों, गठबंधन होना चाहिए तो इस देश के विकास के लिए होना चाहिए, गठबंधन होना चाहिए तो इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ये गठबंधन इसलिए हो रहा है कि मोदी जी को दोबारा किसी भी सूरत में सत्ता में आने नहीं देना, यह गठबंधन किया। अब इस गठबंधन की क्या हालत है, मैं देख रहा हूं। हालत इनकी ऐसी है, नाम बड़ा दर्शन छोटा। नाम तो बहुत इंडिया रख लिया, लेकिन मैं उनको बतलाना चाहूंगा यह नाम बहुत खतरनाक है, यह नाम बहुत खतरनाक है। हम लोगों ने भी एक बार शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था बहनों भाइयों, हम हार गए थे, और आपने यह भी इंडिया बना लिया, आपकी हार निश्चित है बहनों भाई, पक्की है। और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है, और इस पर कांग्रेस चुप्पी साफ कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? और बहनों भाइयों, सनातन धर्म का जहां तक सवाल है, इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म यह सनातन नित नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। चींटी को भी आटा खिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई धर्म करता है तो वह सनातन धर्म करता है। यह भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए। इतना ही नहीं, नाग पंचमी के दिन सर्प को भी दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो सनातन धर्म ही करता है मेरे बहनों भाइयों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, दयानिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए किसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्या सनातन धर्म जाति पात और मजहब के आधार पर यह भेदभाव पैदा करने वाला धर्म है मेरे बहनों भाई? सनातन धर्म ऐसा है जो यह संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का,
सनातन धर्म यह संदेश देता है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश देने वाला यदि कोई धर्म है तो वह सनातन धर्म है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाई नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।